चार चार हो गया है, अभी तक मैं निकला नहीं हूँ। ये बैग को पहले बाइक में बांध दूँ, उसके बाद मैं सारा जैकेट वैकेट पहन के फिर आऊंगा और सीधे निकल जाऊंगा। बैग बांध के आ गया हूँ मैं, बस निकलना है जितनी जल्दी हो सके। हमारी फर्स्ट बाइक राइड फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश। उससे पहले मुझे जाना था गुड़गांव से नोएडा, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे और वहाँ से हमारी राइड शुरू होगी। हम ऋषिकेश घूमने से ज़्यादा एक्साइटेड थे एक्सपीरियंस के लिए, हमारी फर्स्ट बाइक राइड। हम सब पहली बार बाइक पे ट्रिप पे जा रहे थे और हम सब पहली बार साथ में ट्रिप पे जा रहे थे। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, बहुत देर बाद बाइक चलाने को मिली मेरे को। तो चलाते ही नहीं? हाँ, बाइक ही नहीं है मेरे पास अपनी। दुख दर्द पीड़ा हाँ सही है। मैं तो सेकंड टाइम है ऐसे लॉन्ग रूट पर। तो एक बार चलो, तुमको लेट मैं ही कर रहा हूँ। कौन सा तेरे पिथौरागढ़? पिथौरागढ़ कहाँ पर है? तू बता क्या क्या था ना एक्सपीरियंस तेरा, कैसा फील हो रहा है तुझे अभी? सही है यार, 7 साल में पहली बार इतनी केटीएम इतनी दूर तक लेकर आया यार। केटीएम की सीट भी इतनी बेकार सी है ना। नहीं, तो बातें तो होती रहेंगी लेकिन थोड़ा फोकस खाने पे भी कर लेते हैं। शादी में घूम कर देते खा रहा होता है। लंच के बाद बारी आई इस तेज सी धूप में बाइक चलाने की और हमारे लंच ब्रेक से लेकर ऋषिकेश तक पहुंचने की। लेकिन गर्मी के साथ साथ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर भी हम रुके नहीं, अपने मंजिल अपने बीएनबी तक पहुंचे, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है और अब तक हम थक गए थे और नेक्स्ट डे के लिए हमने ऑलरेडी कुछ बड़ा प्लान कर रखा था। तो हमने सोचा अभी बस डिनर करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और सो जाते हैं। अरे ये स्टैंड लगा रहे, हाँ ये तो बताना ही भूल गया कि ये तैयार व्यार हो के अपनी बाइक लेके हम जा कहाँ रहे हैं। आज का हमारा गोल था ऋषिकेश से देहरादून होते हुए मसूरी तलाई हिल्स तक पहुंचना, क्योंकि भैया माउंटेन्स में बाइक चलाने का एक्सपीरियंस वहीं मिलेगा। उससे पहले हमारा ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस कुछ अजीब सा ही रहा, आप खुद ही देख लो। नमक सॉल्ट ज़्यादा अच्छा किचन आ रहा है उसकी वजह से बाकी सारे थोड़ी शुगर ऐड कर देना।
कुछ आ गई चाय डाल दी क्यों बता इसका ऐसा टेस्ट है कि जो तू नहीं पिएगा प्रॉबली जो मिल्क वाला मुझे खाने को ना खाने से भी डर लग रहा है बताता हूँ चिकन आया नहीं खींच दे सॉरी ये ले अखिल दो मिनट पकड़ना यार ये पहन के खींच रहा हूँ उससे देख रहा फोटो डार्क कर रही है यहाँ से हमें एक छोटा सा ट्रैक करना है ज़्यादा नहीं 350 मीटर से लेके 400 थोड़ा सा एलिवेटेड ट्रैक है ये फिर हम पहुँच जाएंगे अपने गोल दलाई हिल्स तक उसका तो पता नहीं है तो जा सकते हैं वैसे अच्छा है वहाँ जाते हैं वहाँ पे नीचे जाते हैं हेलो तो खराब नहीं हो रही क्या अब तो ठीक हो गया ना हाँ ठीक कुर्सी गिरा दी लग गया मैंने कोई हमला कर दिया वो कहाँ गया जगह जगह खड़े होकर शाहरुख खान की तरह खड़ा हो जाता है खींच दे उसकी फोटो खींचता हूँ रुक जा तेरी फोटो खींचता हूँ बोलना नहीं था हाथ में कैमरा इज नॉट अ गुड आइडिया रुक जाओ मेरे को हटने दो यहाँ से हटने दो मुझे अब आ तू ऐसे ढप से कैमरे के ऊपर ये तो म्यूजिक कुछ वो देंगे स्पीकर्स ला रखे होंगे ये दिख तो रहा है यही है ना आ जाओ देख लेते हैं लोग अपनी बोतल लेके क्यों नहीं जाते इधर ही फेंकना जरूरी है क्या कुछ इतनी अच्छी सी जगह को खराब कर देते हैं सॉरी निशानी छोड़ जाते हैं इधर आए थे भाई इधर पैकेट्स वैकेट्स भी हैं चढ़ना ज़्यादा इजी होता है वहां तो जाने का रास्ता नहीं है बेल की आवाज आ रही है ना यहाँ लगा होगा अरे गाय होगा अच्छा हाँ बैठी हुई है अरे चढ़ जाती है
इस एरिया में ये पहाड़ पे इजीली चढ़ जाती हैं गाय बकरी वगैरह, इनको भगवान ने नेचुरली गमबूट दे रखे हैं। हमें यहाँ पे जिंदगी खाई है प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो पहुँच जाओ। हाँ हमें उधर से आएंगे तब भी नहीं पहुँचेंगे। अच्छा हाँ तब भी नहीं पहुँचेंगे, बीच में कनेक्टेड नहीं है। गौरव को देख के लग रहा है बहुत दूर आ गए। कहाँ दिख रहा है मैं? वो जो एक लेडी के नीचे कोई बैठा हुआ ना वो गौरव ही है। कुछ पकड़ा अपना, मैगी पकड़ी पकड़ लिया थक गया। आपको पता है हम अपने घर से 300 किलोमीटर दूर दला हिल्स तक क्यों आए हैं? इस शांति को एक्सपीरियंस करने के लिए। पहाड़ों में क्लियर स्काई, ठंडी हवा और शांति में बैठने का जो मजा है वो शायद ही कहीं और मिलने वाली है। ज्यादा देर तक रह नहीं पाई क्योंकि जो आगे होने वाला है वो किसी तूफान से कम नहीं फील होता। सही बता दो भाई यहाँ पे जब तक ये गाड़ी नहीं निकलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लोग चिपका के खड़े हो जाते हैं ना, इरिटेटिंग हो जाता है। ये नहीं कि ट्रैफिक है तो थोड़ा दूर दूर खड़े रहे, ठीक है अगर आगे पीछे करना हो कर सकता है इंसान आगे खड़े हो जाएंगे। जाते 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 क्या हो गया? One eternity later. इस गंदे से ट्रैफिक से निकलने के बाद हमने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया पहाड़ों में इन वादियों में बाइक राइड करने का एक्सपीरियंस। जैसे कि हमारी लाइफ में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं वैसे ही इस शांत सी राइड में जिसको हम परफेक्ट समझने ही वाले थे तभी एक यमराज का दूत हमें रियलिटी तक पहुंचाने आ गया। नीचे उतरना पड़ा मेरे को, मुझे अपने धीरे ही नहीं करा। कभी अचानक कुछ आगे हुआ ना और ब्रेक लगा दिया इसने तो वो तो कुचल लेगा। भूत की तरह ही परछाई आ रही है। मैं इससे साइड ले रहा था ना और मैं इसके साइड में पहुंच गया था, मैं निकलने वाला था तभी इसने एक गाड़ी थी, कौन सी थी, कोई भी गाड़ी होगी, नॉर्मल कार थी, उसके पार आ गया, बीच में आ गया एकदम रोड के। हाँ जब तुम लोग चले गए थे तो मेरे को पूरा दबा दिया उस साइड, मैं रोड के उस एज पे हूँ। तीन बंदे आ रहे थे उधर से, ठीक है,
और वही कार वाले से क्रॉस करने टाइम ना इसने, हाँ वो तो भाई साइड में गिर गए थे, उतर गए थे वो बाइक से। अरे लड़कियाँ, जो लड़कियाँ कुछ आई थी ना कह रही थी कि वो भी कह रही थी यार बहुत छपरी आ रखे हैं, परेशान कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। कल चाहे पूरे रास्ते भगाता हुआ जाऊं। खड़ा हो यार नॉर्थ बीच रास्ते में, अरे अरे बैठ गया यहां से ऋषिकेश से दिल्ली का पूरा रास्ता दिखा दूंगा। मार कर दे यार रास्ता, अगली बार सूंघता हूं आऊंगा वापस यहीं से। टूटी फूटी लग रहा है, काफ़ी चीज़ें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, एक एक केस नहीं है, एकदम पंच आ रहा है सब चीज़ों का। अब हमारा ये ट्रिप अपने अंतिम समय पर पहुंच चुका है। और इस ट्रिप को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको कुछ बातें कॉन्फिडेंटली ज़रूर बोल सकता हूँ। ट्रिप पे कभी भी मंजिल से ज़्यादा पहुंचने का रास्ता और रास्ते में आपकी कंपनी मैटर करती है। आगे जा रहे किसके लिए जा रहे, ठीक है, तेरा पीछे किसके लिए कुछ है नहीं, मैंने सारी तरफ को यहाँ इस तरह तो आगे जा रहे इतना खुश हो जाने के बाद तेरे से कम है मेरे पे। अरे ये बहुत लंबी चीज है ये। हाँ ये थोड़ी काम की चीज है, तो तेरे में ये सारे है ना काम आए तो। पर ये अंदर नहीं जाता, इधर से नहीं जाता, इधर से जा सकता, पर कितना आगे लगाऊंगा तो। मेरे लिए ये ट्रिप एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इसको अमेजिंग बनाने में मेरी बाइक और इन तीनों का बहुत ही बड़ा परसेंटेज है।